गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प किस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। कलांतर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कला प्लस अंतर। तो कलांतर क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम पहले ये तो समझ लें कि कला क्या होता है। ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टता या फिर प्रत्यावर्ती धारा का कला हम किसे कहते हैं। कला यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेज। ठीक, तो फेज क्या होता है यानी कला क्या होता है, तो दरअसल किसी भी क्षण में, मान लीजिए वो कोई क्षण टी समय है, तो टी समय पर जो भी प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान व दिशा होता है उसको हम बोलते हैं कला। या फिर इसको ऐसा आप लिख सकते हैं कि किसी क्षण में, यानी कि जैसे कि माना टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता या फिर प्रत्यावर्ती धारा के मान व दिशा को जो बताता है, जो प्रदर्शित करता है, उसको हम बोलते हैं कला। ठीक, और बहुत सारे बुकों में इस कला को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है फाई से। राइट, तो कला ये चीज होता है जो कि क्या बताता है, किसी क्षण में किसी भी समय पर प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बताएगा और दिशा बताएगा। तो फिर इनके बीच का जो कलांतर होता है, और ये जो कलांतर होता है इसको हम दर्शाते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक, ग्राफ की मदद से हम दर्शाते हैं, जिसको आप कलांतर आरेख भी बोल सकते हैं, फेजर डायग्राम जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो हम ग्राफ में इसको प्रदर्शित कराते हैं इसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल ग्राफ। साइनोसोइडल ग्राफ का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों को दर्शाता हो, दोनों के मान को दर्शाता हो, उसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टता, जैसा कि हमको अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ बनता है वो सिमिलर बनता है, यहां तक हमें पता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। एक ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ऐसा, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका, तो हमने ये ग्राफ बना दिया ऐसा। ठीक, और ये क्या है हमारा टाइम यानी समय, ये इधर समय को बताता है, और इधर ये क्या बताएगा, या तो आई को बताएगा या तो फिर ई को बताएगा। ठीक, एक ही ग्राफ से हम आई प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों को दर्शा सकते हैं क्योंकि ग्राफ उनका सिमिलर होता है। लेकिन ये भी इसमें आप देखेंगे कोई बहुत चीजें इसमें अंतर है, उन्हीं को हमें समझना है। ठीक, तो अगर इसको हम नामकरण करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, पूरा एक पीरियड घूमने में जितना 360 डिग्री घूमेगा वो है टी। राइट, और ये कितना हो जाता है टाइम, यहाँ पे हमें मिलता है मैक्सिमम ये जीरो, और यहाँ पे हमें मिलता है मैक्सिमम कितना ई नॉट, जो कि अधिकतम यानी शिखर मान होगा प्रत्यावर्ती वोल्टता का, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ई नॉट। ठीक, यहाँ पे भी शिखर मान मिलेगा हमको, लेकिन क्योंकि इसका नेचर क्या होगा माइनस का होगा, इसलिए ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस ई नॉट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम, ये हो जाता है टी, तो ये होता है हमारा टी बाई टू, और ये हो जाता है टी अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं टी अपॉन फोर हो जाएगा, और ये वाला जो टाइम होगा यहाँ पे ये हमारा हो जाता है थ्री अपॉन फोर टी। ठीक, तो यहां तक हम सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है। राइट, अब देखिए यही ग्राफ आई के लिए भी होगा, लेकिन उसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले हम इसके लिए कला को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो इसी को अगर हम दर्शाते हैं, इसकी ग्राफ को इधर बगल में अगर दर्शाएं, मान लीजिए ये हमने टाइम को, जो हमारा आवर्त काल है उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, चार भागों में डिवाइड कर लिया, ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है पूरा, और यहाँ पे ये पूरा हमारा कैसा चलता है, ये 360 डिग्री घूमता है पूरा। ठीक, तो इसको हमने ऐसा कुछ बनाया, सर्कुलर बना दिया, वृत्तीय में दिखा दिया, पूरा 360 घुमा रहा है। ठीक, कब के लिए हम बना रहे हैं, टी समय पर, टी समय पर। ठीक, तो इतना घूमेगा कौन, ओमेगा, टी समय पर ओमेगा को दिखाएंगे, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है,
ये पूरा जो हमारा घूमेगा, ये वाला जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है हमारा, एक पूर्ण चक्र कंप्लीट होगा। ठीक, तो टाइम को जो हम बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी, और ये हो जाएगा, यहां पे हमें मैक्सिमम मिलता है तो ये हो जाएगा हमारा टी अपॉन फोर, फिर हमें मिलेगा टी अपॉन टू, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमें थ्री अपॉन फोर टी। तो ये टाइम को हमने बांट लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे, यहां से मान लीजिए ये चलना स्टार्ट किया, और जब ये यहां पे पहुंचा तो यहां से यहां जब टी समय पर ये चला होगा, टी समय पर चला होगा, तो जब आप इन लाइनों को ऐसे मिलाएंगे आप, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ये चला होगा, चला होगा तो इसमें कोणीय विस्थापन हुआ है, तो कोणीय वेग से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा बराबर हम कितना लिखेंगे, टी समय पर ओमेगा चला, तो ये कितना हो जाता है ओमेगा टी। और ये वाली जो लाइन है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को, अभी हम प्रत्यावर्ती वोल्टता की केवल बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन किसको बता रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है ई, ये पूरा हमारा क्या है ई है, ये सारा चीज। ठीक, तो जब ये घूमते घूमते यहां पहुंचेगी, अभी यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो यहां से जब घूमते घूमते ये ओमेगा टी यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे पहुंचेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मान मिलेगा, और मैक्सिमम वो मान कितना मिलेगा, ई नॉट मिलेगा। यहां पे जब ये चलते चलते यहां पे ओमेगा टी पहुंचेगा, तो यहां पे हमें मैक्सिमम मान मिलेगा, शिखर मान मिलेगा कितना, ई नॉट मिलेगा। ठीक, और जब ये यहां पे पहुंचता है तो फिर से ये जीरो हो जाता है, देखिए फिर से जीरो हो जाएगा टी अपॉन टू टाइम पे पहुंचेगा तो। और फिर जब यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे जब पहुंचेगा तो हमको दोबारा फिर से क्या मिलता है, ई का मैक्सिमम मान, लेकिन ऋणात्मक होगा क्योंकि इधर प्लस और नीचे जाता है तो ऋणात्मक, तो माइनस ई नॉट हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो ओमेगा टी है, यही है कला, कला यानी फेज। ओमेगा टी क्या है, टी समय पर, टी समय पर प्रत्यावर्ती, अगर हम इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो आई में भी यही केस होता है। ठीक, यहां पे जाएगा तो आई नॉट मिलेगा, यहां पे माइनस आई नॉट मिलेगा, तो टी समय पर प्रत्यावर्ती अथवा, अरे प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का कला। ठीक, टी समय पर किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का कला जो होता है, उसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा टी। यही ओमेगा टी बता रहा है कि टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान कितना है, उसका कला कितना है। ठीक, अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो टी समय पर प्रत्यावर्ती धारा का कला कितना है। ठीक, तो कला को हम दर्शाते किससे हैं, इस ओमेगा टी को दर्शाने के लिए हम जहां पे टी अपॉन फोर, टी अपॉन टू, थ्री अपॉन फोर टी ऐसा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो ओमेगा है ये पूरा ऐसे चक्कर मार रहा है, 360 डिग्री घूमेगा, तब तो हमारा एक पूर्ण चक्कर होता है, राइट, पूरा हमारा आवर्तकाल कंप्लीट होगा। तो जब हम उसको घुमाते हैं, ठीक, तो जब हम उसको पूरा एक पूर्ण चक्कर घुमाते हैं ओमेगा टी को, तो ये होता क्या है कि जब ये यहां, यहां पे ऐसे चलना स्टार्ट किया, यहां पे अभी क्या है, जीरो है, और जब ये यहां, यहां से यहां पहुंचेगा तो देखिए कितना बना रहा है, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा यहां से यहां, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कला को, कला को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 90 डिग्री किससे दर्शाएंगे, पाई बाई टू। ठीक, पाई बाई टू, ये जो हम पाई बाई टू लिख रहे हैं ये कला है। ठीक, यही फेज है, ये कला है। इसके बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम दर्शाएंगे किससे, पाई से। ठीक, यहां पाई बाई टू, और यहां किससे दर्शाएंगे, कला को, पाई से। ठीक, और जब ये यहां पे पहुंचेगा, यहां पे, तो यहां पे हम इसको दर्शाते हैं किससे, थ्री बाई टू पाई, थ्री बाई टू पाई।
मतलब यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, पाई मतलब, पाई मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो 3π/2 हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ पे जब पहुंचेगा, जब वो फिर से जीरो हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2π से, तो यहाँ पे कला कितना हो गया 2π, 3π/2, 2π, तो हम देख रहे हैं पाई बाई टू पे ये शिखर मान होगा और 3π/2 पर ये शिखर मान मिलता है। यहां भी दिखाना आप चाहे तो दिखा सकते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा कला 2π, यहां पे कला कितना हो जाएगा 3π/2 और यहां पे कला कितना हो जाएगा फिर से यहां पे ये π/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है पाई। तो ये जो π/2, π, 3π/2, 2π ये सारा क्या है, फेज है, कला है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ई का कला, जैसे कि ई का, ई यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता का कला पाई है तो मान कितना होगा, ठीक, ये पाई क्या है, कला है, ई का कला पाई है तो मान कितना होगा बताइए। अगर ई का कला π/2 है तो मान कितना होगा, π/2 मतलब वो कितना घुमा है, 90 डिग्री घुमा है, ओमेगा टी कितना चला 90 डिग्री, और यहां पे कला ओमेगा टी कितना चला 180 डिग्री। तो अगर पाई है तो ई का मान कितना होगा, तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि अगर पाई है तो ई का मान 0 होता है। अगर π/2 होता है कला, कला अगर π/2 है तो ई का मान या फिर धारा का मान कितना हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट मैक्सिमम हो जाता है। अगर यहीं पे ई का कला मान लीजिए आपको 3π/2 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा फिर, अगर कला 3π/2 है तो ई का मान, तो ई का मान कितना हो जाएगा आपके पास माइनस ई नॉट। तो इस तरीके से हमें कला का जरूरत पड़ता है, फेज का जरूरत पड़ता है, ठीक। अब इतना अगर आपको बात की समझ में आ गई तो अब देखिए अब इसमें होता क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। इसमें होता ये है कि किसी भी एक समय पर, किसी भी, जब हम एक क्षण की बात करते हैं, एक कला की बात करते हैं, तो उस कला पर हमें कभी भी एक समय पर प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान नहीं प्राप्त होता है, ये खास बात है इसमें, ठीक। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं ना, एक समय पे ये जीरो होता है, कभी ई नॉट हो जाता है, और कभी जीरो होगा कभी आई नॉट हो जाएगा। तो ये जो ई नॉट और आई नॉट है ना, ये एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ना तो ये एक साथ ये कभी शून्य हो सकते हैं, ना तो ये कभी एक साथ ई नॉट मतलब मैक्सिमम यानी शिखर मान को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता शिखर मान पे है तो आई जो धारा का यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा वो शून्य होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान अपने शिखर मान पे होता है, ठीक। तो ये जो उनके बीच का जो अंतराल हो जा रहा है, उनके शिखर मान के बीच में जो उनका अधिकतम मान है उसके बीच में जो कुछ अंतराल हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम तक शिखर मान तक, उसी अंतराल को हम बोलते हैं कलांतर, यानी इंग्लिश में फेज डिफरेंस, ठीक। तो आपको इसमें याद क्या करना है, आपको दरअसल इसमें याद ये करना है कि प्रत्यावर्ती धारा में हमें, प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता में हमें ये देखने को मिलता है कि वो दोनों कभी भी एक साथ ना तो शून्य हो होते हैं और ना ही तो कभी एक साथ अपने शिखर मान पे होते हैं, ठीक। इसको और अच्छे से और समझा जा सकता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि हमने इधर लिखा ई, ठीक, और इधर लिखा आई। अगर ये शिखर मान अपने अधिकतर मान पे है, मान लीजिए 100 पे है, ठीक। एक सेकेंड, इसको और अच्छे से हम डायग्राम से आपको समझाते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक डायग्राम बनाते हैं सर्किट, ये हमारे पास ऐसा सर्किट है, यहाँ पे हमने संधारित्र लगा दिया
और ये हमने क्वाइल लगाया यानी प्रेरक तब लगाया और यहाँ पे हमने एसी करंट इसमें इस सर्किट में दे दिया। कौन सा करंट दिया है? एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा प्रदान किया है। और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को देखने के लिए। और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया धारा को देखने के लिए, आई को देखने के लिए। ठीक, चीजें आपको समझ में आई। ये संधारित्र है और ये प्रेरकत्व है क्योंकि ये क्वाइल है, प्रेरण लगाया गया है इसमें क्वाइल, तो प्रेरकत्व बोलते हैं उसको, इंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, यहाँ पे करंट कौन सा दिया गया है? एसी करंट दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा दिया गया है। ये सिंबल है एसी करंट को दर्शाने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाने के लिए। जब हम बात करते हैं डीसी करंट की तो उसको हम फिर ऐसा दर्शाते हैं, प्लस माइनस ऐसा। जब डीसी करंट आप सर्किट में देंगे तो ऐसा दर्शाएंगे, जब एसी करंट आप देंगे सर्किट में तो आपको फिर ये ऐसा दर्शाना पड़ेगा। राइट, समझ में आ गया बात। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है तो हम देखते हैं कि इस पूरे सर्किट में ये वोल्ट मीटर 0 से 100 पहुंचता है। 100 क्या है? इसका शिखर मान है, अधिकतम मान है। और अमीटर भी 0 से 100 दिखा रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये कभी भी एक साथ वोल्ट मीटर और अमीटर में हमें ना तो 0 देखने को मिलता है एक साथ, और ना तो हमें एक साथ कभी ये 100 देखने को मिलेगा। अगर ये ई और आई, अगर ई का मान 100 है तो इस कंडीशन में यहाँ पे फिर क्या होगा? आई का मान 0 देखने को मिलता है। जब ये अपने शिखर मान पे है तो आई का मान 0 है। ठीक, और ये आई क्या करेगा? इस ई को फॉलो करेगा हमेशा। ठीक, फॉलो हमेशा करेगा। तो ये 0 क्या होना चाहेगा? ये 0 से 100 अपने आप को बनाना चाहेगा। तो जैसे ही अपने आप को ये 100 बनाता है तब तक ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान घट के 0 हो जाता है। ठीक, और फिर ये चाहेगा कि अब ये 100 मान बनाए, मतलब ये जब ये वाले साइकिल पे पहुंचेगा तो ये बनाता है -100। जैसे ही -100 बनाता है तो फिर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, बात दिख रहा है ना? ये 0 हो जाता है। फिर क्या करेगा? ये 0 से -100 होना चाहेगा, अपने अधिकतर शिखर मान पर पहुंचना चाहेगा। तो जब ये शिखर मान पर पहुंचना चाहेगा, मतलब ये इधर बनाएगा -100, तो इधर क्या बन जाएगा? फिर 0। तो ये चीजें होती है। तो ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ना, इनके अधिकतम शिखर मान के बीच का जो गैप अंतराल देखने को मिल रहा है आपको, उसी अंतराल को हम बोलते हैं कालांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के बीच कालांतर बोलते हैं। ठीक, तो जब आप इस चीज को ग्राफ में दिखाते हैं इसी चीज को, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो ग्राफ फिर इस टाइप से बनेगा कि यहां पे देखिए, ये जब अपने अधिकतर शिखर मान पे है तो ये हमारा धारा का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 यहां से स्टार्ट होगा धारा का मान, और जब ये यहां पे 0 हो रहा है, ये यहां पे 0 हो रहा है ना, ये देखिए ये यहां पे 0 हो रहा है, तो जब ये यहां पे 0 हो रहा है तो यहां पे जब ये पहुंचेगा धारा, तो देखिए ये जब 0 है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो हमारा देखिए आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम है, अधिकतर शिखर मान पे है। ठीक, तो ये फिर ऐसे आएगा नीचे, और यहां पे देखिए जब ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान माइनस यू नॉट मैक्सिमम है, तो इस कंडीशन में फिर हमारा धारा का मान क्या हो जा रहा है? देखिए 0 हो जा रहा है। ठीक, 0 हो रहा है ना। और इसके बाद फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। तो जब ये जाएगा इधर, तो जब अगेन यहां पे देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2π पे 0 है। तो जब ये 2π पे 0 है तो इस कंडीशन में हमारे पास फिर से हमें क्या मिलेगा? माइनस ई नॉट, मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा अपने शिखर मान पे पहुंच जाता है। ठीक, तो इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो पूरा कालांतर को समझ गए। ये ग्राफ हमें ये दर्शा रहा है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 0 होता है तो उस समय धारा का मान अपने चरम सीमा पे होगा, शिखर मान पे होगा। जब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान मैक्सिमम होता है, अपने शिखर मान पे होता है, तो उस कंडीशन पे फिर हमें प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 मिलता है। और इसी के ये जो अधिकतम मान के बीच का जो अंतराल हो जा रहा है, और इसी अंतराल को हम बोलते हैं कालांतर। ठीक ठीक
इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक कंडीशन ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो आई है वो हमेशा ई को फॉलो करता रहता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ई को छोड़ देगा, वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा फॉलो करता रहेगा, उसका पीछा करता रहेगा, लेकिन कभी भी वो बराबरी पे उसका पहुंच नहीं पाता है, ठीक। जैसे कि समझ लीजिए एक गार्ड है और एक ट्रेन है, ठीक। एक गार्ड है और एक ट्रेन है, गार्ड यहाँ पे है, ठीक, गार्ड यहाँ पे है, ट्रेन ऐसे जा रही है। जैसे ही गार्ड ट्रेन का पीछा करता है तो जब ट्रेन ऐसे जा रही थी तो गार्ड उधर से आ रहा था, जब ट्रेन ऐसे मुड़ गई तो गार्ड इधर हो गया, जब ट्रेन इधर मुड़ी तो गार्ड इधर इधर मुड़ गया, ठीक। तो मतलब उनके बीच में कुछ न कुछ अंतराल तो रहेगा, वो कभी भी गार्ड और ट्रेन, जो गार्ड है वो ट्रेन का पीछा नहीं कर पाएगा, उसके इंजन तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे वो इंजन पहुंचता चला जाएगा तब तक गाड़ी रेल अपनी इंजन इंजन की डायरेक्शन दिशा बदलते चली जाएगी, तो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन उसको वो फॉलो हमेशा करता रहेगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सर्किट है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हमने प्रेरकत्व लगा के रखा है, इंडक्टर लगा के रखा है, ये इंडक्टर धारा का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, तो ये कुछ देर तक धारा को रोकने की कोशिश करता है, नहीं भेजता है, देर से भेजता है, ठीक। तो धारा का मान जाने में, धारा प्रवाह करने में देर लगाती है। और ये जो संधारित्र क्या है, जब ये अपने इधर से भेज दिया तब तो धारा शिखर मान में पहुंच गया, तो फिर क्या होता है कि ये जो हमने संधारित्र यहाँ पे लगा के रखा है, ये संधारित्र वोल्टेज को अपने अपने आप में पहले संरक्षित करता है, ठीक। वोल्टेज को अपने आप में संरक्षित करेगा, स्टोर करेगा, पहले खुद को चार्ज करेगा, इसके बाद आगे वाले परिपथ में वोल्टेज को भेजता है। इसलिए जब ये खुद को चार्ज करेगा तो लेट तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, जब ये भी रोकेगा धारा के प्रवाह को तो यहाँ भी समय का नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से ये इनके दोनों के बीच में अंतराल बना रहता है, राइट। इतनी बात समझ में आई? तो आप लिख लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच हमेशा अधिकतम मान में कुछ अंतराल होता है, और उस अंतराल को हम बोलते हैं कलांतर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने नोटबुक में लिखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच हमेशा उनके अधिकतम मान में या फिर उनके शिखर मान में कुछ अंतराल होता है, और उस अंतराल को हम बोलते हैं कलांतर, या फिर उसे कलांतर कहते हैं, ठीक। और इन सारी चीजों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ग्राफ को आप एक नाम और से भी जान सकते हैं, इसको बोला जाता है कलांतर आरेख, ठीक। अब जाते जाते एक छोटा सा चीज और, इसको मैं मिटा रहा हूं, कुछ बुक्स में एक डायग्राम और दिखाया गया है, उसको भी देख लीजिए क्या है। उसमें फॉलो करते हुए दिखाया गया है, ये ऐसे बांट लीजिए, ये तो इसमें फॉलो करते दिखाया गया, ये है हमारा ओमेगा टी, राइट, और ये हमें लाइन क्या बता रही है, ई को बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम ई नॉट मिल जाएगा यहाँ पे। अब जो आई होगा, आई ये वाली मान लीजिए, ये इधर है आई, ठीक, ये घूम रहा है ऐसे, इधर हमें मिलेगा मैक्सिमम ई नॉट, तो आई भी तो हमें मिलेगा, ठीक। तो मतलब अगर ये यू नॉट है तो यही वाला यही घूम के यहां पहुंचेगा, तो ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ई नॉट है। तो अगर ये आई है तो हमें जो आई नॉट मिलेगा वो कुछ इधर मिलता है, यहां पे आई नॉट मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमें मिला आई नॉट। जब हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कालांतर के रूप में, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, जैसे कि हमने टी समय की बात की, टी समय पर अगर हमें E का मान मिल रहा है, E नॉट साइन ओमेगा T, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक, अच्छे से आता है हमें। तो इस सिचुएशन पे अगर E का मान अपने मैक्सिमम पे है, इसका जो परिमाण है वो, जो मैग्नीट्यूड है वो अधिकतम पे है, ठीक, किसकी वजह से, इस ओमेगा T की वजह से, ओमेगा T की वजह से, इस कलांतर की कला की वजह से इसका मैग्नीट्यूड अधिकतम पे है, तो उस केस में जो हमें आई मिलेगा वो फिर हमें क्या मिलता है, वो फिर हमें आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू मिलता है। ये रिलेशन आप याद रखे रहिएगा। ठीक, क्या E नॉट साइन ओमेगा टी है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, I का मान I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को इसी चीज, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं I नॉट साइन फाई, फाई बराबर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यही फाई क्या है, कलांतर है, जो दर्शाता है कलांतर को। अरे एक सेकेंड, इसको ऐसा भी लिखा जाता है ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव, या तो पाई बाय टू लिखेंगे। तो यही चीज हमें दर्शाता है कलांतर को। ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री, राइट। जब ये पूरा ओमेगा टी है और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो ये जो मिलता है हमें वो बताता है कलांतर को। तो इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, यानी कि आरेख बोलते हैं, कलांतर आरेख। तो इसमें ये हमें ये बताता है कि ये देखिए, ये जो आई ई नॉट है ये ऐसे जब आगे बढ़ रहा है तो ये भी इसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी ऐसे इसके ओर ही जाएगा, लेकिन इनके बीच में इतना डिफरेंस रहता है। जब ये E नॉट ओमेगा टी पे है तो इसमें कितना का डिफरेंस रहेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का, और ये डिफरेंस, ये कलांतर हमेशा बना रहता है दोनों के बीच, और ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और जब E जब इंक्रीजिंग पे होगा, जब ये बढ़ते बढ़ेगा अपने मैक्सिमम पे, चरम सीमा पे होगा, तो उस समय I क्या होगा, घटेगा। और जब E डिक्रीज होगा, E का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान घटता है, तो उस समय I का मान फिर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। सो दिस मच, थैंक यू।